गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीबीआर स्टडी। मैं राजकुमारी दुबंसी आपके सामने आपकी जीरो लेवल की गणित का 17वां भाग लेकर के। तो चलिए देखते हैं आज हम जीरो लेवल की मैथ में क्या लेके आए हैं आपके लिए। ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हमारी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है कि अगर ये क्लास समझ में आएगी तो अपने मित्रों में अवश्य शेयर करिएगा। और हाँ, क्लास को लाइक करना नहीं भूलिएगा, तुरंत लाइक कर दीजिए। इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है, कोई मेहनत नहीं करना है और कोई टेंशन नहीं लेना है, तुरंत लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऐसे सिंपल में आपको सवाल मिलता होगा, लेकिन फिर भी जोड़ घटाने में भी गलत हो जाता है। जैसे देखिए, इसमें दो ही चिन्ह है, माइनस और प्लस, बट ये गलत हो जाता है। कब? जब हम पांच में से दो घटा ले पहले, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या करेंगे? पहले हम प्लस प्लस जोड़ेंगे। चौदह में क्या जोड़ेंगे? एक और ये पांच, मतलब चौदह पांच और एक को जोड़ेंगे और लास्ट में दो को घटाएंगे। ये बोर्ड मास्टर रूल कहता है, ठीक है ना। तो इसी तरीका पे चलेंगे, इसका उत्तर आप लोग बता देंगे जल्दी से, उम्मीद करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, बोर्ड मास का रूल का मतलब क्या होता है हमने कई बार पढ़ाया है, लेकिन ये जीरो लेवल की मैथ में हम जीरो लेवल से चलेंगे, इसलिए हम बोर्ड मास का रूल फिर से आपको बता रहे हैं, इसमें अलग तरीके से। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ भी लिया सिंपल में कि बोर्ड मास रूल का मतलब क्या होता है। ये ही तो होता भाई, बी मतलब होता है ब्रेकट, यानी कि जिसे हिंदी में कोष्ठक बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले कोष्ठक हल होता है, फिर ऑफ मतलब का हल होता है। जैसे कहीं का आता है ना, पांच बटा आठ का, तीन बटा दो, माइनस दो बटा पांच, ऐसे आता भी दिखाऊंगा क्वेश्चन। फिर डिवीजन हल होता है, यानी कि भाग, और फिर गुणा, और उसके बाद होता है जोड़, और सबसे लास्ट में होता है घटाना। ये बोर्ड मास का नियम होता है। नंबर एक क्या करते हैं? कोष्ठक हल करते हैं, दूसरे पर का, तीसरे पर भाग, चौथे पर गुणा, पांचवा पर जोड़ और सातवां पर छठवां पे घटाना। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में ये छह चीज ना आए तो क्या करेंगे? और हाँ, ब्रैकेट में भी कई नियम होता है। सबसे पहले रेखा कोष्ठक हल करते हैं, फिर छोटका कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक हल करते हैं और लास्ट में बड़का कोष्ठक हल करते हैं। नीचे दिख रहा कि नहीं? नहीं दिख रहा होगा तो बता दीजिएगा। जी हाँ, बड़का कोष्ठक तक नहीं दिख रहा भाई, तो इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं साइड में। ये नीचे थोड़ा चमक रहा है आज, इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है आपके व्हाइट बोर्ड में, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये बोर्ड मास का सिंपल नियम था। अब हमारे बोर्ड मास के रूल के अनुसार इसमें प्लस और माइनस का चिन्ह है बस, इसका मतलब पहले जोड़ आता है, ये बाद में घटाना। तो पहले जोड़ेंगे, जुड़ेगा कौन कौन? एक बात ध्यान रहे, समान समान चिन्ह वाले जुड़ते हैं। कौन कौन? समान समान चिन्ह वाले जुड़ते हैं। समान समान चिन्ह वाले पद जुड़ेंगे कैसे? अगर कहीं आपको मिल गया माइनस पांच और माइनस चार, तो ये दोनों माइनस है तो घटेगा नहीं, जुड़ेगा, माइनस नौ हो जाएगा, ठीक ना। अगर प्लस तीन है और प्लस पांच है तो ये जुड़ेगा और प्लस क्या हो जाएगा? आठ हो जाएगा। लेकिन असमान चिन्ह वाले घट जाते बाबू, घट जाते हैं। अगर ये प्लस हो गया, अब क्या होगा? एक प्लस एक माइनस, ये घट जाएगा और घट करके ये क्या आएगा? माइनस वन आएगा। बात समझ में आई? ये दोनों प्लस था, अगर इसमें मैं बीच में माइनस कर दूं तो ये घट जाएगा और घट करके क्या आएगा? फिर ये माइनस दो आएगा। बात समझ में आई ना? अगर दोनों चिन्ह एक समान है तभी जुड़ेंगे, वरना कभी जुड़ेंगे नहीं। कहने का मतलब, अगर दो दोस्त हैं या फिर दो चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हैं, अगर उनमें आपस में कुछ उनकी प्रॉपर्टी मिले जुलेगी, जैसे मान लेते हैं एक लड़का है, कोई थोड़ा आवारा गर्दी करता है, दूसरा है वो भी उसी टाइप का है, थोड़ा बीड़ी सिगरेट दारू पीता है, तो दोनों में मित्रता बहुत जल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर एक पढ़ने लिखने वाला भाई और एक थोड़ा घुमक्कड़ टाइप का है, तो दोनों में नहीं बनेगी। देखिए, हमारी बात को समझने के तौर पर लीजिएगा, किसी के ऊपर मत लीजिएगा,
अगर किसी को बुरा लगे तो सॉरी, ठीक है ना। दूसरा नंबर, कोई भी हो, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, अगर उसकी प्रॉपर्टी मिलेगी इस दूसरे से तभी मित्रता होगी। आप देखते होंगे जो पढ़ने लिखने वाले लड़के होते हैं या जो टैलेंटेड होते हैं, उनकी संगति जो होती है उसी प्रकार के लोगों से होती है, और जो कुछ ज्यादा मजेदार लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं उनकी संगति उसी प्रकार के लड़के लड़कियों से होती है। बात समझ में आई ना। अगर किसी बॉयज या गर्ल्स में भी फ्रेंडशिप होती है तो कुछ प्रॉपर्टी मिलते जुलते हैं तभी होता भाई, ठीक ना। तो उसी प्रकार से इसमें भी होता है, अगर कुछ प्रॉपर्टी मिलता जुलता है दोनों एक समान होता तभी जुड़ता है, वरना वो अपने रास्ता घट जाते हैं दोनों। बात समझ में आई ना, ठीक ना। तो आप समझ गए होंगे, आप नहीं बताना इसमें। वैसे क्या करेंगे, जो समान समान चिन्ह वाले हैं उनको जोड़ लेंगे, यानी कि 14 में 5 जोड़ लेंगे, दोनों प्लस प्लस हैं और ये भी प्लस है, तो 14 5 19 एक हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 20 माइनस और ये 2। आप बोर्ड मास करूँ कहता है जोड़ने के बाद घटाएंगे, इसमें घटाएंगे आ जाएगा 18। सभी लोग को पता रहा होगा पहले से भी, सी वाला आपसे सही, ठीक है। इसमें दो चिन्ह था, अब हम तीन चिन्ह में चलते हैं, क्योंकि हमें बोर्ड मास रूल में छह चीजें मिलती हैं, 1 2 3 4 5 6 ना। तो चलिए ठीक है, कहीं कहीं एक एक चीजें कई बार आ जाती हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे इधर दूसरा क्वेश्चन में अगर चले तो देखिएगा भाई, ये दूसरा क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। जैसे लोग मूवी देखते हैं ना नई वाली आती, तो कि कोई सीन निकल ना जाए भाई, कोई सीन निकल ना जाए, बिल्कुल वैसे देखिएगा। इसका मान कितना आएगा जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप लोग, फिर हम आगे देखते हैं। कितना आएगा, सभी लोग समझ गए होंगे ना। बोर्ड मास रूल के अनुसार सबसे पहले क्या होता है, इसमें देखें तो तीन चिन्ह यूज है, कौन कौन, एक बुरा है एक जोड़ है एक घटाना है, यही तो है ना बाबू, टोटल तीन है तो है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले बुरा होता है फिर जोड़ होता है फिर घटाना होता है। ये देखें सबसे पहले बुरा चौथे पे है, जोड़ पांचवा पे है, घटाना छठवा पे है। तो चलिए बुरा करते हैं, देखिए जहां पे बुरा का चिन्ह लगा है यहाँ पे उसके पहले का वैसे लिख लेंगे, उतने छोटा उतने मोटा उतने अच्छा, जैसे लिखा है। तो ये 14 और प्लस, अब गुणा कर लीजिए, 3 दूना 6 माइनस 9, बगल वाला वैसे लिख देंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जैसे है वैसे का वैसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, तीन चिन्ह से घट के दो चिन्ह में आ गया, अब क्या करेंगे भाई, एक प्लस है एक माइनस है, पहले प्लस करेंगे। बोर्ड मास के रूल में प्लस यानी कि जोड़ 5वां नंबर पे आता है, घटाना 6वां नंबर पे, तो पहले जोड़ेंगे, कौन कौन जोड़ेंगे, एक समान चिन्ह को जोड़ेंगे बस। देखिए 6 प्लस में है 14 भी प्लस में है, ध्यान रहे इसके सामने कोई चिन्ह नहीं, जिसको पॉजिटिव यानी कि प्लस माना जाता है, ठीक ना। ये जुड़ेगा तो हो जाएगा 20 माइनस 9, और जब भाई 20 में से 9 घटा लेंगे तो हो जाएगा 11, और इस तरह से आपका आंसर ये रहा, आगे ना ठीक। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप निसंकोच बोल सकते हैं, बिना किसी टेंशन के बिना किसी सोच विचार के बोले, तुरंत निसंकोच दिल खोल कर बोले भाई। ये हो गया, इसमें तीन चिन्ह था, अब हम थोड़ा स्टेप पढ़ेंगे और आगे। ये मैटर याद रखिएगा, समान चिन्ह वाले ही पद जुड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपकी क्लास है अपनी सभी के लिए, आज जीरो लेवल मैथ का 17वां भाग है, हम चाहे 50 भाग हो जाए क्यों ना, हमने शुरू किया इस मैथ को क्लास 1 से, और इसको पहुंचाएंगे 12th का, कितना तक, 12वीं कक्षा तक आपको पहुंचा देंगे, 12वीं कक्षा तक मैथ पढ़ा देंगे आपको, कक्षा 1 से शुरू किया हमने, ठीक है। आज 17 दिन है, 1 महीना है, 2 महीना में खत्म हो जाएगा, 2 महीना में आप 12वीं क्लास में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो तीसरा देखिएगा, ये अगर मान लेते हैं हम छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं सिंपल सा, ये चल भाई, इसका मान कितना आएगा, है कोई कितना आएगा, देखिए इसमें हम हल करना आपको बताएंगे, ऑप्शन बाद में, ध्यान दीजिएगा। समान चिन्ह वाले पद ही जुड़ेंगे, इसको रट लीजिएगा,
बोर्ड मास का रूल क्या कहता है? इसमें देखिए भाग का चिन्ह है, गुणा का भी है, जोड़ का भी है, घटाना का भी है, चार चिन्ह है। सबसे पहले आता है भाग, जो कि तीसरे नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आता है गुणा, और पांचवें पे जोड़, और छठे पे घटाना। तो पहले भाग करेंगे, ये भाग वाला चिन्ह जहां पे है उसके पहले वैसे लिख लेंगे, ये 12 था इसको ऐसे लिख लिया, भाग का चिन्ह के पहले प्लस है तो प्लस को लिख लिया, तीन से छह में भाग देंगे तो दो आएगा, और ये बाद में माइनस दो था उसको लिख लिया, गुणा चार था उसको लिख लिया, क्लियर। अब भाग का काम खत्म, क्या बचा? गुणा करेंगे। अब गुणा यहाँ पे है ना, उसके पहले जो जैसे वैसे लिख लेंगे उतने सुंदर, जितना सुंदर ऊपर लिखा है। तो ये 12 प्लस 2 माइनस 4 दुना 8, क्लियर। अब क्या करेंगे? अरे भाई जो करने के लिए यहां खड़े हैं वही करेंगे, और क्या करेंगे? ये देखिए अभी हो गया, अब क्या करेंगे? जोड़ करेंगे ना, ये तो जोड़ दीजिए, 12 तो 14, और 14 माइनस 8 सभी लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, 8 घटाएंगे कितना आएगा? 6 आएगा ना भाई, जोड़ घटाना तो आना ही चाहिए, थोड़ा थोड़ा दिमाग दौड़ाना चाहिए। ये हो गया क्वेश्चन, इसमें हमने चार चिन्ह यूज कर लिया, लेकिन अभी कुछ मैटर बच रहा है, वो क्या है? हम यहाँ डी तक आ गए, डी ए एम एस हमने यूज कर लिया, बट अभी ओ और बी बचा है, बचा क्यों रहे भाई? चलिए इसको भी ट्राई कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, सारा मैटर एक बार में ट्राई करते हैं, पूरा का पूरा खत्म करते हैं एक बार में। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी देखिए ऑफ भी आ जाएगा, यहाँ पर क्या है? 14 का 1/2 प्लस 3 गुणा 7 और माइनस 10/2। अब ध्यान दीजिएगा इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, कैसे और क्यों, व्हाट एंड व्हाई। देखिए मैं मुझे ज्यादा इंग्लिश नहीं आती, कोशिश कर रहा हूं अभी सीखने की। तो इसमें ओ भी है, मतलब ऑफ, यानी आप, मतलब इसका हिंदी में क्या होता है, का भी है ना, फिर क्या है, भाग भी है और गुणा भी है, जोड़ भी है, घटाना भी है। सबसे पहले का वाला हल करते हैं, मतलब ये मैटर पहले क्लियर कर लेंगे। तो इसको जब आप क्लियर करेंगे तो गुणा का चिन्ह लग जाता है का की जगह पर, और ये कट जाएगा 2 से 14। कुल मिलाकर के फाइनली इनकी सारी समस्याओं का समाधान होने के बाद इस पे 7 आया, समझ गए ना? 7 कैसे आया? उधर से आया, वहां से, पड़ोसी के घर से, ठीक। अब फिर बीच में प्लस था, प्लस ये 3 × 7 माइनस 10/2, क्लियर। अब क्या करेंगे भाई? अब तो बड़ी बीमारी दूर हो गई, छोटी छोटी बीमारी है जो कि वैसे दूर हो जाएंगी बिना दवा पाती के, तो क्या करेंगे? भाग कर लेना, ये देखिए 7 + 3 × 7 और माइनस, भाग कर लीजिए, हो गया। अब गुणा करेंगे, उधर साइड में लिखा है भाई, मैं कोई मंत्र नहीं पढ़ा हूँ, हमारे दादाजी ने कोई मंत्र नहीं सिखाया जो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये इधर लिखा है ना, सबसे पहले कोष्टक, फिर का, फिर भाग, गुणा, जोड़, घटाना, बस वही तरीका अपनाना, ठीक है। तो ये 7 + 3 = 21 कितना हुआ? 21, जिसे हम लोग इंग्लिश में 21 बोलते हैं। नीचे नहीं दिखेगा तो बिल्कुल शौक मत मनाइएगा, टेंशन मत लीजिएगा, मैं अभी दिखाऊंगा कैमरा नीचे करके। अब जोड़ेंगे, 28 - 5 इक्वल आ गया 23, यानी कि 23, 20 और 3 यानी होएगा कितना? 23, दिख रहा ना भाई? देखिए नीचे हम भी दिखा सकते हैं, लेकिन नीचे बहुत चमकत बाहो, देखो ये देखो, गड़बड़ है ना भाई नीचे, इसी वजह से हम नीचे नहीं दिखा रहे थे, आप लोग सोच रहे होंगे नीचे काहे नहीं दिखा रहे, आज कुछ गड़बड़ है सिस्टम, वही लाइट को हटाना है यहाँ से, तो फिलहाल हम आपको वो चीज़ नहीं दिखाएंगे जो चमक रहा है, वरना कहीं आपकी आँख खराब हो गई तो लेना का देना पड़ जाएगा। तो भाई देखिए ये क्वेश्चन हो गया, लेकिन एक चीज इसमें बच रहा है जो मैं क्लियर करके तभी जाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, कोष्ठक नहीं लगा कहीं, ब्रेकट नहीं लगा, तो ये कमी क्यों रही, इतनी भारी कमी, उसको भी कर देते हैं। कोष्ठक देखिए, ये बड़का कोष्ठक, इसके अंदर छोटका कोष्ठक कर देंगे, अभी देखिएगा, हाँ
देता हूं काहे। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोष्ठक भी लग गया, सारे चिन्ह भी लग गए, बहुत कुछ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बी यानी ब्रेकट का करते हैं, और ब्रेकट में भी नियम होता है। यहाँ पर देखिए तो छोटा कोष्ठक भी लगा है, बड़ा कोष्ठक भी लगा है। सबसे पहले छोटा कोष्ठक हल करेंगे, बाकी सारा काम बाद में करेंगे। जैसे कहते हैं ना भाई, सारा काम छोड़ के पहले और करो जो ना होता है, तो ना तो बस वही काम यहाँ पे करना है, पहले ये करना है। तो ये 14 इसको ऐसे वैसे लिख देंगे, गुणा का चिन्ह वैसे लिख देंगे। अब ये नहीं मायने रखता कि कोष्ठक के अंदर में क्या करना है, ये मायने रखता है कि ये रस्म रिवाज है, इसे निभाना है, बस। समझ में आई बात ना? वरना वैसे तो पहले भाग करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, लेकिन कोष्ठक लगे होने की वजह से ना पहले इसी के पास आना, समझ रहे ना? तो क्या करेंगे, ये जोड़ लेंगे, 7 हो जाएगा 9, और फिर ये -9 भागे 3, और फिर ये का जो था उसको ऐसे लिख देंगे 7। क्लियर ना? एक लाइन में इतने काम करेंगे भाई, एक तीर से तीन निशाना नहीं मारेंगे यहाँ पे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक बीमारी तो दूर हो गई, कोष्ठक छुटका हल हो गया। अब बड़का कोष्ठक हल करेंगे जिसके अंदर सब कुछ है, तो सब कुछ हल करेंगे फिर। अब सब कुछ में भी सब कुछ करेंगे, यानी भाग का चिन्ह है, गुणा भी है, का भी है, ये घटाना भी है। तो पहले का करेंगे, तो का हल करेंगे, मतलब 14 × 9 - ये वाला 9 था भाई यहाँ पे, ये 9 ही यहाँ भी है, तो इसको हम ऐसे लिख लें, और फिर भाग का चिन्ह का हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का 7, मतलब 3 × 7 21 आएगा, ये हो गया 21। बात समझ में आ रही ना? देखिए बटन में गड़बड़ हो जा रहा भाई, 21 इसको भाग करेंगे ना तो ये कटेगा ही नहीं। हमने सवाल आपको बना के दिया हुआ था, ठीक है ना, बना के दिया हुआ था, जो कि सवाल गड़बड़ हो रहा है, ऐसे सवाल आपको आएगा नहीं। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, इसे आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर 7 की जगह 1 कर लें, ठीक है ना, 1 कर लें भाई। ये सवाल हमने बनाया था जो कि डिसबैलेंस था, अगर 21 हो जाएगा तो सवाल हल ही नहीं होगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए हल हो सकता है, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए वैसे सवाल आएंगे नहीं, टेंशन मत लीजिएगा, जो हमने अभी लिखा था। अगर पेपर में ऐसे आ गया ना तो बोर्ड से या फिर आपके एग्जाम से, जो भी आप एग्जाम देंगे वहां से आपको फ्री में नंबर मिलेगा उसकी जगह पर, क्योंकि वो क्वेश्चन ही गलत था, ठीक। तो वैसे नहीं आएगा, इस तरह से आ सकता है। आप ये भाग करेंगे ना, सब कुछ हो गया तो भाग कर लीजिए, रोका किसने है, 1 × 9 इसे भाग करेंगे 9 आएगा, ये 9 हो गया, ठीक ना, 1 से भाग करते हैं, किसी में तो वही गिनती आती है। अब गुणा कर देंगे, 14 × 9 = 126 -9 घटाने पर आ गया 117। बात समझ में आई ना? ये था बोर्ड मास रूल जो आपने देख लिया पूरी तरह से, अच्छी तरह से, एकदम फुल कॉन्सेप्ट के साथ। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी गई है दोस्तों, वहां पर आपको लिखा गया है कि मैथ आसान है। जी हाँ, मैथ आसान है, क्या आपको यकीन नहीं होता? अगर नहीं होता तो आपको मार यकीन दिलाएंगे 100%, मैथ आसान है, आसान है, बिल्कुल आसान है। बुलंद हो हौसले तो मुट्ठी में कमान है, मुश्किलें और मुसीबतें जिंदगी में आम है, हो अगर जिंदा तो ताकत रखो बाजुओं में, लहरों के खिलाफ तैरने का, लहरों के साथ में बह जाना तो लाशों का काम है, मुर्दों का काम है। जी हाँ, मैथ आसान है, आसान है, बिल्कुल आसान है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, मैथ आसान है चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, वहां पर आप एडवांस मैथ, बेसिक अलजेब्रा और बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 0 लेवल क्लास पा सकेंगे। मैथ आसान है चैनल पर, मैथ आसान है पीबीआर स्टडी का एक छोटा सा ग्रोइंग उगता हुआ चैनल है, उसे तुरंत सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। दोस्तों ये नंबर आप लोग याद कर लें, रट लें, नोट कर लें, बहुत ही आसान नंबर आपके लिए दिया गया है। इस नंबर की व्हाट्सएप स्टेटस को चेक करते रहा करें, आप हमारे साथ अप टू डेट रहेंगे। ये कभी उम्मीद ना करें कि हम आपको व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन देंगे, क्योंकि बाबू इतने लोगों की संख्या है, हमें हम लोगों को व्हाट्सएप करने में काफी प्रॉब्लम होती है और हम अकेले ही आप सभी को मैनेज करते हैं। यूट्यूब का कमेंट, व्हाट्सएप का मैसेज, ईमेल का रिप्लाई, सब कुछ हम अकेले ही करते हैं, तो थोड़ा हमें भी जीने दीजिए। और आप लोग इसकी स्टेटस को चेक कर लेंगे ना तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही, जल्द ही हम आपके लिए सारी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। और कोई ऐसा फ्रेंड ढूंढ रहे हैं जो कि आपके व्हाट्सएप पर रिप्लाई करेगा और आपके कॉल को रिसीव करेगा और बहुत सारे जो भी आपके काम नहीं हो पाते हैं उसको भी करेगा वो, बस आपका वो मित्र जल्द ही आने वाला है आप लोगों के सहयोग से।
आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। मैं राजकुमार दुबंसी फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चलते चलते एक बात मत भूलिएगा, इस क्लास को अपने 3 मित्रों में अवश्य शेयर करिएगा। ये मैं आपसे कसम नहीं रखवा रहा हूँ, बल्कि आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ बाबू। जय हिंद, जय भारत।